रीजन आपको बताता हूँ। तो देखिए चार बड़े रीजन है जिसके साथ मार्केट में गिरावट आई है। सबसे पहले तो अमेरिकन फ्यूचर, जैसे कि आपने कहा कि डाउ फ्यूचर में अच्छी खासी गिरावट आई है। आपने फेड के मिनट्स अगर सही से देखे होंगे तो उसमें इन्फ्लेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, और इसके वजह से आपने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने मिली है। इनफैक्ट मुझे याद है बॉन्ड यील्ड्स 1.6 के आसपास चली गई थी, और अब देखिए 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है 1.25% के आसपास आ चुकी है, 5 महीनों के ये निचले स्तर पे आ चुके हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और बॉन्ड यील्ड्स के गिरने के चलते जो इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक जो है वहां पे गिरावट देखने मिल रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में इस तरह की घबराहट देखी जा रही है। दूसरा, चीन और हांगकांग के बाजार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी अच्छी गिरावट है। वहां हुआ क्या है, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स है ना, उनमें भारी भरकम गिरावट आ रही है, क्योंकि इन स्टॉक्स खासकर अगर आप देखेंगे तो अलीबाबा, डीडी, ये तमाम वो स्टॉक्स है जिनमें आपको भरपूर गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट फेब से अब तक अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की मार्केट वैल्यू जो है इनकी साफ हो चुकी है। दरअसल चीनी प्रशासन ने टेक्नोलॉजी शेयर जो है उन पे सख्ती लगाई है। यूएस में लिस्ट होने वाली जो कंपनीज है उन पे सख्ती लगाई गई है, और उन पे जो नियम है उनको कड़ा कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि इसी साल दरअसल चाइना का 5-year plan है अगला, वो भी आने वाला है, और उसमें टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं फोकस आने वाला है। और उसके पहले इस तरह का कदम उठाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सभी के सभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी डाल रहा है। और आपने देखा कि करीब इस इन कंपनीज के मार्केट कैप में करीब 2,00,000 करोड़ के आसपास की गिरावट आई है। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एशिया कमजोर है। इसके अलावा कोरोना के जो मामले हैं कुछ जगहों पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोक्यो में इमरजेंसी की घोषणा की गई है, ओलंपिक शुरू होने वाले थे 22 तारीख को आने वाले दिनों में, और उसके पहले कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी जो है वो लगाने की बात की जा रही है। 22 अगस्त तक ये इमरजेंसी जो है वो लागू रहेगी। सिर्फ यही नहीं, साउथ कोरिया में अभी अगर आप देखेंगे तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और कोरिया एक ऐसा देश था जिसमें कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले थे वो काफी कम थे, उन्होंने काफी बेहतर हैंडल किया था, लेकिन वहां भी अब मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है, तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। और कच्चा तेल, ये भी मूड बिगाड़ रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस में कोई भी समझौता नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन वहां पे नहीं हो रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल जो है वो भी लगातार प्रेशर में है, और इकोनॉमिक्स जिस तरह से अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके चलते भी कच्चा तेल कहीं ना कहीं गिर रहा है। तो कमोडिटी साइकिल जो है उसको भी लोग मान रहे कि शायद फिजल आउट हो सकता है, और इसके लिए भी आप देख रहे हैं गिरावट है। तो ये चार रीजन है, अमेरिका, चाइना, कोरोना, कच्चा तेल, जिसकी वजह से मार्केट्स में घबराहट है।